हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बच्चे वॉक करके आ चुके हैं, उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं अभी भी सो के उठी हूँ और मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, पर जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और हाँ, हमने कल ट्राई किया था सारस फूड और मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि ये कैसा लगा बच्चों को। वॉज इट अ थम्स अप और वॉज इट अ थम्स डाउन फॉर देम? सो स्टे ट्यून्ड गाइज। यहाँ पे बुलबुल और सिम्बा की टीचर है, इनकी पढ़ाई चल रही है, देखते हैं कितना सीखेंगे। वैसे तो सिम्बा काफ़ी ट्रेंड है पर अभी भी थोड़ा एक्साइटेड डॉग है, और बुलबुल को तो एक शब्द भी नहीं समझ में आता सिट के अलावा। बुलबुल इज़ ओनली फॉलोइंग सिम्बा, जो सिम्बा करता है वही बुलबुल फॉलो करती है, और इन दोनों को टीचर की सख्त ज़रूरत है। मुझे तो लग रहा है कि सिम्बा तो सिर्फ ना ट्रीट्स के चक्कर में बैठ जाता है पढ़ने, और सर बुलबुल से हैंडशेक कह रहे हैं और सिम्बा पहले ही हैंडशेक देते जा रहा है कि सारी ट्रीट्स इसी को मिल जाए। यहाँ पे सिम्बा और बुलबुल का डिनर रेडी हो रहा था, तब तक मुझे ध्यान आया कि हमारे पास हफ्ते से आया हुआ फ्रीबी फूड भी है और वो हमें ट्राई करना चाहिए। और दिस इज़ चिकन एंड टर्की। सो बुलबुल ने अभी तक टर्की कभी टेस्ट नहीं किया है, सो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि कहीं इसको हम खाने में मिला दें तो ये पूरा का पूरा खाना ना छोड़ दें। इस खाने की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी रेफ्रिजरेशन बिफोर ओपनिंग इट। सो ट्रैवलिंग के लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फूड, प्रोवाइडेड सिम्बा और बुलबुल को ये पसंद आए तो। जैसे कि मैं उनको होम कुक्ड फूड पर रखती हूँ, इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। सो देयर इज चिकन, चिकन ऑर्गन मीट, टर्की, टर्की ऑर्गन मीट, मैक्रल फिश, बीन्स, पम्पकिन, स्पिनच, ओ यस, गिलोए। गिलोए यहाँ पे अच्छा मेंशन किया है, जैसे टर्मरिक का इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बताया ही था, इवन मोरिंगा फॉर दैट मैटर, अश्वगंधा, गिलोए, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हमारी पेट्स की, और आपको तो पता ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। तो डेफिनेटली इसमें अगर ये सब है तो डेफिनेटली द फूड इज़ गोइंग टू बी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे इनका चिकन स्ट्यू भी है, तो क्योंकि ऑलरेडी इनके फूड में जो ये जो सारा फूड है इसमें चिकन और टर्की है, तो मैं आज इनको बहुत ज़्यादा ये नहीं मिक्स करके दूंगी जो होम कुक चिकन है, थोड़े से चिकन के पीसेस होम कुक्ड फूड के और स्ट्यू डालूंगी मैं इनके खाने में आज। ये खाना मैंने मिक्स नहीं किया है खिचड़ी के साथ इनकी, क्योंकि अगर इनको ये नहीं पसंद आया तो हम इसको स्कूप आउट कर सकते हैं इजीली एंड दे कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल फूड। ये स्ट्यू के साथ हम इनको दे रहे हैं, सो अब देखते हैं कि इन लोगों को ये खाना कैसा लगेगा। आर दे गोइंग टू अप्रूव दिस फूड और आर दे गोइंग टू डिसलाइक इट? सो लेट्स सी। सो गाइस, सिम्बा आई थिंक ही रियली लाइक्स द सारास फूड। इसने खत्म कर लिया एंड ही इज नॉट स्पिटिंग इट आउट, इसका मतलब है इट्स अ थम्स अप। बुलबुल आई थिंक इज ट्राइंग टू एडजस्ट टू द टेस्ट, बिकॉज इसने टर्की कभी खाई नहीं है अभी तक। लेट्स सी, बट यस, फॉर सिम्बा डेफिनेटली अ थम्स अप। और जिस तरह से बुलबुल खा रही है, आई थिंक शी लव्स इट टू, सो यस, दिस फूड इज ग्रेट गाइस।